टेलर 6-in-1 रॉकिंग चेयर, इसको यूज करने के आज सारे आपको ऑप्शन बताएंगे किस तरह यूज होगा और इसके ऑप्शन किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसमें रॉकिंग का ऑप्शन है। रॉकिंग अगर आपने इसकी स्टॉप करनी है, या नीचे इसमें यहाँ स्टॉपर दिए होते हैं, ये फ्रंट पे भी होते हैं और इसी तरह फिर ये यहाँ इसके बैक पे भी होते हैं। ये इसकी रॉकिंग स्टॉप करते हैं और फिर इसके यहाँ पे साइड पे आप ये लॉक देखेंगे, दोनों साइड पे उनको आप अपनी साइड पे खींचेंगे दोनों को और ये इस तरह चेयर बन जाएगी। ये इसकी चेयर वाली पोजीशन आ जाएगी। वापस इसको रॉकिंग चेयर अगर आपने बनाना हो, यही दोनों लॉक खींच के ऊपर कर देंगे, ये रॉकिंग वाली पोजीशन में आ जाएगी, बेस्ट बन जाएगी। ये बेसनेट आ गई। अब इसकी आपने हाइट अप एंड डाउन अगर करनी हो तो इसके यहाँ साइड पे ये देखिए ये बटन दिया हुआ है, एक ही इस साइड पे और एक इसकी दूसरे साइड पे होगा। इन दोनों बटन को एक साथ ऊपर करेंगे इस तरह, इसकी हाइट ऊपर हो जाएगी। नीचे करने के लिए भी दोनों बटन को एक साथ बेसनेट, अगर इसकी आपने बाहर निकालनी हो, ये दोनों बटन है इनको प्रेस करके पूरा टर्न कर देंगे, टर्न करेंगे तो ये ब्रेसलेट इसकी इससे निकल जाएगी। वापस लगाने के लिए भी ये इसी तरह बिल्कुल एज इट इज यहाँ लग जाएगी। मॉस्किटो नेट अगर आपने लगानी हो, सबसे पहले आप इसकी ड्रॉयर बार निकाल देंगे, ये लगती है सिंपल इसी तरह ही है, इसमें लगानी होती है और ये इस तरह निकल जाती है। ये निकाल के इसकी मॉस्किटो नेट के साथ ये नेट इस तरह इसकी कवर हो जाती है ऊपर, नेट अगर आपने इसकी निकालनी हो। उसके बाद फिर इसके साथ ये दिया हुआ बेल्ट, अगर आपने इसकी ब्रेसलेट को कैरी करना हो उसमें बेल्ट लग गई, ब्रेसलेट को यहाँ से हम वापस अनलॉक कर देंगे और इसको निकाल के इस तरह कैरी कर लेंगे। प्लस इसमें म्यूजिक और वाइब्रेट का ऑप्शन दिया होता है इस पार्ट में, यहाँ से आप इसको खोलेंगे, इसमें दो सेल लगते हैं, सेल लगा के आप इसमें म्यूजिक और वाइब्रेट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं।